देश के 10 मजदूर बड़े संगठन जो हैं वो पिछले 3 साल से लगातार जब से सरकार बनी है उनको जो 12 सूत्री मांग पत्र है देश के कामगारों का मजदूरों का, जिसमें 18,000 रुपये मिनिमम वेतन, 3,000 रुपये पेंशन, किसी भी मुनाफा कमाने वाले कारखाने को बेचा ना जाए और शर्म कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, ये मांग को लेकर हम सरकार से लगातार अपने प्रदर्शनों के जरिए उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनसे वार्ता करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था 2015 की जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम बिना पूछे आपसे कोई श्रम कानून कोई भी फैसला नहीं लेंगे, परंतु अभी तक वो अपने वायदे से भी पीछे हट गए हैं। 5 मिनिस्टरों की कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई थी जो जिसको हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली उसके अध्यक्ष हैं, उनकी 2 बैठकें हुई हैं, उसके बाद कोई बैठक आज 2 साल से नहीं हुई है और हमारा सारा मांग पत्र जो है सरकारी फाइलों में जमा पड़ा है और हम कोशिश कर रहे थे कि सरकार उन जायज़ मांगों को सुनकर उनको ठीक कर दे और श्रम कानूनों को बदलना बंद कर दे और पूंजीपतियों को बंधुआ मजदूर जो वर्कर को बनाना चाहते हैं, हमारे जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है बुनियादी अधिकार है यूनियन बनाने का, आवाज़ उठाने का, उसको कुचलने की कोशिश ना करें और हमारा जो सामूहिक सौदेबाजी का हमारे हाथ में एक ही साधन है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, उसको ख़त्म ना किया जाए, 8 घंटे से ज़्यादा नौकरी ना ली जाए और हमारे ओवर टाइम जहाँ पर वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उनको भरा नहीं जा रहा है और एग्जिस्टिंग स्टाफ से काम लिया जा रहा है तो उनका ओवर टाइम उनको समय से डबल पेमेंट किया जाए, क्योंकि 16 घंटे बच्चों से दूर रहकर अपनी सेहत के साथ वो अपना खिलवाड़ करते हैं, उनकी सेहत खराब होती है परंतु उत्पादन पूरा देते हैं, मालिक उसको डबल ओवर टाइम देने के लिए सरकार की मदद लेकर उसको बदलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का सरकार का जो रवैया है उसके बाद हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। आज हमने 3 दिन का पड़ाव, ये पहली दफ़ा देश के इतिहास में तमाम देश के मजदूर संगठन लाखों लाखों की संख्या में 3 दिन लगातार दिल्ली की राजधानी पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने शांतिपूर्वक धरना किया है और अपनी बात को कहने का काम किया है कि ताकि प्रधानमंत्री समझ जाए और हमारे से वार्ता शुरू करें और हमारी बात को माने, परंतु अगर नहीं मानेंगे नहीं सुनेंगे तो देश के कामगार के पास और तो कोई, वो बिल्कुल निहत्था है, कमज़ोर है, बेजुबाना है, उनके पास और कोई हथियार नहीं है कि वो अपनी यूनियन के झंडे के नीचे इकट्ठे हों और सरकार के इस मजदूर विरोधी रवैये के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश में अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जाने की तैयारी करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। धरने के बीच सरकार से आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि देश का आम कामगार जो आज संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम लिया जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर भी जो मजदूर हजारों की संख्या में काम कर रहे हैं, 3 शिफ्टों में किस तरीके से एयरपोर्ट को चमका के रखते हैं, वहाँ पर देशी विदेशी जितने भी मेहमान आते हैं, कस्टमर आते हैं, हमारे पैसेंजर आते हैं, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, परंतु वहाँ पर 12-12 घंटे नौकरी है, 8,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते हैं और शाम को महिलाओं को काम पर बुलाकर और 200 को रखा, 100 को वापस भेज दिया, वो धक्के खाती हुई रात को आधी रात को अपने बच्चों में वापस जाती हैं। इस तरीके का मजदूर के साथ, बंधुआ मजदूर और उसके आम माननीय उसके साथ जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है, इसके खिलाफ हमने कहा कि 18,000 रुपये तनख्वाह, पक्की नौकरी, ठेकेदार हटे तो हटे परंतु वर्कर ना हटे, उसको अगर 8 घंटे ज़्यादा काम लिया जाए डबल पेमेंट से ओवर टाइम मिलना चाहिए, हर एक मजदूर को जो 60 साल का हो जाए कम से कम अभी स्टार्ट करके आप 1,000 रुपये पेंशन से बढ़ाकर 3,000 रुपये पेंशन किया जाए, ये और जितने भी मुनाफा कमाने वाले कारखाने हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर के अंडर में है उनको बेचा ना जाए, जो 12 महीने का काम है वो पक्के कर्मचारी से लिया जाए और जो जिन हमारे कर्मचारियों की मांगे पेंडिंग पड़ी हैं, 7वां वेतन आयोग कभी का आया था और उसको अभी तक स्टेटों में लागू नहीं किया गया है, वहाँ के कर्मचारी जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, मजबूर हैं, उनसे सुना नहीं जाता, उनको धमकाया जाता है, उनकी नौकरी खाने के ऊपर खतरा पैदा किया जाता है, परंतु फिर भी मजदूर जो है, हम मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्ट स्टेट कर्मचारी है उन्होंने अपने 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए पहले शांतिपूर्वक ढंग से भारत सरकार को समझाने का काम किया, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को समझाने का काम किया, वो कहते हैं कि मांग जायज़ है परंतु लागू नहीं करते हैं, तो उन्होंने अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। मैं आपको फख्र से कहता हूँ देश का मजदूर अपनी मांग के लिए वो संघर्ष करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। 4 दिन तक सफल पूरे महाराष्ट्र में, बावजूद इसके कि सरकार की ताकत के पूरा यूज़ करने के बाद भी एक भी डिपो में से किसी कर्मचारी ने उस बस को बाहर नहीं निकलने दिया और अंत में हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं,
इस पर बात करें सरकार, और 3 महीने में बात करके इनकी मांगों को सुनकर समझौता करके हमारे को रिपोर्ट सबमिट करें। तो इस वजह से हमारे साथियों ने उस हड़ताल को वापस लिया है और अभी उसके लिए वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कई हमारे सेक्टर हैं, कोल है, हमारा कॉटन डॉक है, हमारा रेलवे है, बैंक है, इंश्योरेंस है, इन सबको बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार से इस धरने से पहले देश के लेबर मिनिस्टर ने हमें बुलाया था। लेबर मिनिस्टर को हमने ये अपनी 12 सूत्री मांग पत्र उसको पढ़ के सुनाया। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये प्योरली देश के कामगार की मांग है। जो सरकार के वायदे भी हैं कि हम आपको डिसेंट जॉब देंगे, डिसेंट वेज देंगे और 8 घंटे काम लेंगे, 8 घंटे ज़्यादा काम लेंगे वो टाइम होगा, कोई कानून आपसे बिना पूछे नहीं बनाएंगे, ना कुछ चेंज करेंगे, ये वायदे उनको बता रहे हैं कि पूरे करो। परंतु अभी तक उस लेबर मिनिस्टर के पास, अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, हमारे संविधान के अंदर लिखा है कि समान काम समान वेतन, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आ गया, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ है समान काम समान वेतन। परंतु हमारे देश में वर्करों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि वो जहाँ पर सेम काम करने वाला अगर 25,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसी के कारखाने में सेम काम करने वाले को 6,000-8,000 रुपये दिया जा रहा है। तो हमने लेबर मिनिस्टर से कहा, जो आपके हाथ में है, इसको, इस कानून को, संविधान को लागू करके दिखा दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे अपनी मीटिंग। अगली रणनीति अगर सरकार नहीं बुलाती है और हमारी मांगों को अनदेखा करती है, तो आने वाले समय में ये 10 मजदूर संगठन बैठकर ये फैसला कर लिया है कि हर स्टेट में, हर माइंस में, हर डॉक, कॉटन डॉक में, हर स्टेट का रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे वाले, एयरवेज वाले और हमारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारे आंगनबाड़ी स्कीम वर्कर हैं जितने भी, उनके पास पहुंचकर देश में अनिश्चितकालीन की हड़ताल